हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, रैली में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन देके मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और आपका सभी एरो का जो रैली प्रॉब्लम, रैली डेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस करेंट सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे और आपका नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर वो वीडियो मिल तो जाएगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको इंडियन आर्मी जो ऑफिशियल पेज है उसमें आना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो इंडियन स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपका जो JCO और OR एनरोलमेंट आप देख रहे हो, तो इसी के अंदर आपका जो व्हाट्स न्यू जो पेज है, ठीक है, व्हाट्स न्यू पेज के अंदर आना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप व्हाट्स न्यू फॉर JC और OR। सो थर्ड जो नोटिफिकेशन अर्जेंट नोटिस, आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी डाउनलोड कर लेते हो इसको। तो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर चार नोटिस दे के मेंशन कर दिया गया है, तो ठीक है। इसके बाद मैं तो फर्स्ट इसको बता देता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो एक बार पहले इसको सुन लेते हैं। तत्काल सूचना एक, कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड से मेल खाता है। दो, यदि यह मेल खाता नहीं है तो कृपया निकटतम आधार केंद्र या UARI की वेबसाइट पर संपर्क करें। जाओ और मैट्रिक रणनीतियों के अनुसार UARI विवरण को संशोधित करें। तीन, यदि आपने अपना आधार नंबर पहले ही पंजीकृत कर लिया है तो सही व्यक्ति के लिए SSB साक्षात्कार या कृपया JCO और या व्यक्ति के लिए रैली में भाग लेने से पहले भाग लें। चार, आधार का इस्तेमाल व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आधार संख्या का है आपकी खोज रद्द कर देगा। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो बोला गया, ठीक है, वो आपका जो नेम है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो पिता का नेम है, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपका जो है उसको आधार कार्ड के साथ सेम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है, ठीक है, आपका कोई भी आपका आधार कार्ड पे कोई भी फॉल्ट है, कोई भी डिफॉल्ट है, कोई भी इनकरेक्ट है, तो आप UITAI वेबसाइट पर आपको जाना होगा और मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उस पर जो है आपको UITAI के जाने के बाद उसके आपको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। नंबर थ्री, आप कोई भी ऑफिसर में सिलेक्ट हो गए, आप SSB इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ओ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो JCO रिक्रूटमेंट, आपका जो इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट है रैली का, तो उसका पहले आपका उस पर जाना होगा, ठीक है। नंबर फोर जो है, आपका पहले जो आधार कार्ड के जो डिटेल्स है वही चेक करना होगा और उसके बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से उसको फिलअप करना होगा। और आधार कार्ड का नंबर पे कोई भी फॉल्ट है तो आपका जो नेम वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइज ये पे फुल विवरण था, ठीक है। मैंने और जो कोई भी बता क्वारीज है इसको लेकर तो कमेंट करें। और तब तक मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।